परिचय। अरे रोहित, आज स्कूल कैसा रहा? पिताजी, आज बहुत मजा आया। और तुम्हारा खेल कैसा रहा? मजेदार, मुझे खेल में दूसरा स्थान मिला। बहुत बढ़िया। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, उस कार को देखिए, उससे क्या उत्सर्जित हो रहा है? शीशा ऊपर कर लो बेटा, कार से उत्सर्जित होने वाला पदार्थ वायु प्रदूषण पैदा करता है। ये पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और इनसे दमा जैसे रोग होते हैं। क्या हम इसे रोक नहीं सकते पिताजी? हम वायु प्रदूषण को विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर नियंत्रित कर सकते हैं। क्या तुम जानने के इच्छुक हो? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें वायु व जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताता हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वायु प्रदूषण व इसके नियंत्रण की व्याख्या करना। दिल्ली में वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण की व्याख्या करना। ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा करना। जल प्रदूषण और इसके नियंत्रण के बारे में वर्णन करना। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार केस अध्ययन पर चर्चा करना। वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण। वायु, जल या मृदा का जीवों के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा संदूषण प्रदूषण कहलाता है। वैसे अपशिष्ट पदार्थ या वस्तु जो वायु, मृदा या जल को संदूषित करते हैं, प्रदूषक कहे जाते हैं। वायुमंडल का गैसों, द्रवों या ठोस अपशिष्टों के द्वारा दूषण जो मानव, पौधों व जानवरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वायु प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायु प्रदूषण के कारण। जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। एरोसोल प्रणोदक व रेफ्रिजरेटरों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड धूम कोहरे के मुख्य घटकों में से एक है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। धूल, पराग एवं अन्य कार्बनिक कणों के कारण बनने वाले धूम से भी वायु प्रदूषण होता है। सड़कों पर बढ़ता हुआ यातायात प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाता है। वायु प्रदूषण की नियंत्रण विधियां। एग्जॉस्ट गैस स्ट्रीम से धूल कणों को निकालने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपक यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल जैसे ही धुआं युक्त गैसें अवक्षेपक यानी प्रेसिपिटेटर में प्रवेश करती हैं, तो सर्वप्रथम ऋणात्मक आवेशित धातु ग्रिट के संपर्क में आकर ऋण आवेशित हो जाती हैं। तत्पश्चात धुएं के कण धन आवेशित पट्टिकाओं की ओर आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार इन धुआं युक्त गैसों से धूल कण अलग हो जाते हैं और स्वच्छ हवा वायुमंडल में प्रेषित हो जाती है। मार्जक स्क्रबर। मार्जक गैस से गंदगी दूर करने वाला एक उपकरण है। वायु प्रवाह में उच्च दाब पर नोजल के द्वारा रासायनिक पदार्थ युक्त जल का छिड़काव किया जाता है। कुछ जल, खासकर यदि प्रवर्त वायु गर्म हो, तो वाष्प में बदल जाता है और निकलकर विलीन हो जाता है। वाष्पित जल के स्थान पर स्वच्छ जल एवं रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न कर्त एवं प्रदूषण उत्पादों को समय समय पर नाली के सहारे निकाल दिया जाता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों के कारण दमा जैसा चिरकालिक रोग हो जाता है। इससे फेफड़ों का कैंसर होता है। इससे चिरकालिक फुफ्फुस अवरोधी रोग यानी श्वासावरोधी रोग यानी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो सकती है। ओजोन गैस के संपर्क में आने से हमारी आंखों में जलन एवं खुजलाहट उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके खून में प्रवाहित हो रही ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। दिल्ली में वाहन जन्य वायु प्रदूषण पर नियंत्रण केस अध्ययन। दिल्ली का विभिन्न क्षेत्रों, उद्योग, परिवहन एवं
आवास में विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इससे स्वास्थ्य के खतरों में वृद्धि होती है, जो श्वास रोगों में हुई वृद्धि में स्पष्ट दिखाई देते हैं। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में 5 गुना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में रहने वाले लोग सांस के साथ जहर ले रहे हैं। दिल्ली की हवाओं में लटकते अंतःश्वसनीय विविक्त पदार्थ, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी RSPM की मात्रा लगभग 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो सामान्य से 4 गुना अधिक है। वहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 50 से 55 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो कि 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक है। इन प्रदूषकों के कारण श्वासावरोध, दमा, फेफड़ों में संक्रमण एवं जन्मजात विकृति जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम सन 1981 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन है। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं: किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र चलाने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों की सीमा से अधिक वायु प्रदूषण के उत्सर्जन का निपटान नहीं करेगा, न ही उत्सर्जन करेगा और न ही निपटान की अनुमति देगा। राज्य बोर्ड भी वायु प्रदूषण करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है। अनुमति देने या मना करने के लिए बोर्ड औपचारिकताएं पूरी करेगा। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य वायुमंडल में मानव द्वारा उत्पन्न की गई उन ध्वनियों से है, जिनसे मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से कुछ इस प्रकार हैं: यातायात। शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का ये मुख्य स्रोत है। सड़कों पर यातायात में दिनातिन वृद्धि हो रही है। रेलवे स्टेशन। रेल के इंजन ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। रेलों की शंटिंग एवं स्विचिंग क्रियाकलापों से ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। औद्योगिक स्रोत। किसी उद्योग में प्रयुक्त मशीनें ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं, क्योंकि पेड़ ध्वनि को समाहित कर लेते हैं, इसलिए ध्वनि को कम करने हेतु उद्योग परिसर में वृक्षारोपण करने की अनुशंसा की जाती है। अन्य स्रोत। बॉयलर, कंप्रेसर, जनरेटर जैसे उपकरण भी कुछ हद तक ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं। जल प्रदूषण एवं उस पर नियंत्रण। प्राकृतिक जल स्रोतों में हानिकारक रसायनों के मिल जाने की परिघटना को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं: नदियों में छोड़ा गया शहरों का अपजल एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्रमुख स्रोत हैं। अपशिष्ट जल के केवल 10% का शोधन किया जाता है, शेष जल जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। नदियों में गिरने वाला कृषि अपवाह और खेतों का पानी जल प्रदूषण का एक अन्य कारक है, क्योंकि इसमें रासायनिक और नाशी जीव मारक पदार्थ होते हैं। घरेलू अपजल और औद्योगिक बहिस्रावी पदार्थ। घरों से उपयोग के बाद फेंका हुआ जल घरेलू मल जल कहलाता है, इसे सैनिटरी सीवेज भी कहते हैं। इस मल जल में लंबित पदार्थों के साथ साथ कई प्रकार की घुलनशील गंदी वस्तुएं भी होती हैं। इन गंदी वस्तुओं में जैव पदार्थ तथा पौधों के पोषक पदार्थ होते हैं। भोजन और सब्जी के अपशिष्ट इसके मुख्य जैव पदार्थ हैं, और पादप पोषक पदार्थों का मुख्य स्रोत रासायनिक साबुन एवं वॉशिंग पाउडर इत्यादि हैं।
घरेलू मलजल का निपटान एक गंभीर समस्या है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता। सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थ के अपघटन के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता कहते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता की सहायता से उस जैव पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है जो मलजल में अपघटित हो सकता है। ये मलजल शोधन संयंत्र के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। घुलित ऑक्सीजन जल की गुणवत्ता के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक है। घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जल की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। जैव आवर्धन। जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बृहद रूप से सांद्रित नाशी जीव मारक डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन यानी डीडीटी जैसे खास रासायनिक पदार्थों को आहार श्रृंखला के शीर्ष के प्राणियों को पहुंचाया जाता है। उदाहरण, हर पोषी स्तर पर डीडीटी की सांद्रता में वृद्धि, जैसा कि रेखा लेख यानी डायग्राम में दिखाया गया है। सुपोषण। जल के पुष्टिकारक गुणों के संवर्धन की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप अक्सर प्रजाति विविधता बिगड़ जाती है, सुपोषण कहलाती है। जलाशयों में अजैव यौगिकों के मिलने और जैव अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से जल की पौष्टिकता में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप शैवाल, खासकर नीलाभ हरे शैवाल का विकास तेजी से होता है और ये जल की सतह को पूरी तरह से आच्छादित कर सकता है। शैवाल के इस विकास को शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। शैवाल का ये प्रस्फुटन जल में अक्सर विषाक्त पदार्थ छोड़ता है और अन्य शैवाल के विकास को रोकता है। विषाक्तता या ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मर भी सकते हैं। औद्योगिक बहिस्रावी पदार्थ। औद्योगिक बहिस्रावी पदार्थ औद्योगिक कार्यों के फलस्वरूप पैदा होने वाला अपचल है। औद्योगिक अपशिष्ट में जैव और अजैव दोनों पदार्थ होते हैं। जैव अपशिष्ट पदार्थों में नाशी जीवों के अवशेष, विलायक एवं साफ सफाई के तरल पदार्थ आते हैं। बहिस्रावी पदार्थों में अजैव अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, जैसे लवण जल और धातुएं। जल प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषित जल पीने, मनोरंजन, खेती और उद्योग के योग्य नहीं होता। ये झीलों और नदियों की सुंदरता को धूमिल करता है। संदूषित जल से जल जीवन का नाश होता है, उसके जीवों की प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी संकटप्रद है। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार केस अध्ययन। अपशिष्ट जल उपचार एकीकृत ढंग से किया जा सकता है। अब जल के शोधन से पर्यावरणीय प्रतिक्रियाएं होती हैं जो मानव कल्याण के लिए उचित नहीं है। अब जल शोधन के फलस्वरूप खेती के हरियाली वाले क्षेत्रों में सिंचाई, नगर के मनोरंजनार्थ बनी झीलों, गोल्फ के मैदानों आदि के लिए जरूरी पानी में कमी आती है। शब्द ह्यूमेन्योर का अर्थ मानव अपशिष्ट है, जिसका पुनर्चक्रण कृमि खाद निर्माण की विधियों से होता है और जिसका उपयोग बागवानी या खेती के कार्यों में किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, 18 अक्टूबर सन 2012 को 14:36 पर कोलकाता से जारी रिपोर्ट में कहा गया है, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो 12 बुनियादी मानकों की निगरानी करता रहा है के अनुसार पश्चिम बंगाल के नगरों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित सीमाओं के भीतर है। ये मानक अंतःश्वसनीय विविक्त पदार्थ यानी आरपीएम, पीएम 10, पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, ओजोन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, सीसा एवं निकल थे और इनका मापन श्याम बाजार, बेहाला, बैरकपुर और दुर्गापुर के 4 निगरानी केंद्रों पर होता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक पदार्थों के कारण वायु, जल और मिट्टी के होने वाले संदूषण को प्रदूषण कहा जाता है। मानव स्वास्थ्य और पेड़ पौधों तथा पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले गैसीय, द्रव या ठोस अपशिष्ट के कारण वायुमंडल के होने वाले संदूषण को वायु प्रदूषण कहा जाता है। स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक और मार्जक का उपयोग वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण के उद्देश्य से संसद ने वर्ष 1981 में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ वातावरण में मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के कारण होने वाला प्रदूषण है, जिसका प्रभाव मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्राकृतिक जलाशयों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों के मिलने से उत्पन्न प्रदूषण को जल प्रदूषण कहा जाता है। मुख्य स्रोत नगर अवजल और औद्योगिक कचरा हैं। अवजल के जैव पदार्थों को नष्ट करने हेतु सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मांग कहलाती है। जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बृहद रूप से सांद्रित नाशी जीव मारक डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन यानी DDT जैसे खास रासायनिक पदार्थों को आहार श्रृंखला के शीर्ष के प्राणियों को पहुंचाया जाता है। जल की पोषण शक्ति के संवर्धन की प्रक्रिया जिससे अक्सर प्रजाति विविधता बिगड़ती है सुपोषण कहलाती है। परिचय। सुप्रभात पिताजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं करण, पर तुम कहां जा रहे हो? मैं बाजार से प्लास्टिक बैग लेने जा रहा हूं। तुम्हें प्लास्टिक बैग को नहीं अपनाना चाहिए। परंतु क्यों पिताजी? प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। एक बार इस्तेमाल के बाद अधिकतर प्लास्टिक बैग भराई कचरे में चले जाते हैं और यदि इनको जलाया जाए तो इनसे जहरीली गैसें निकलती हैं जो वातावरण के साथ साथ मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं। ठीक है पिताजी, मैं आज से प्लास्टिक बैग का प्रयोग नहीं करूंगा। इस अध्याय में आप पर्यावरण के मुद्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठोस अपशिष्ट का वर्णन करना, कृषि रसायनों की व्याख्या करना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पर चर्चा करना, ग्रीन हाउस प्रभाव व वैश्विक उष्णता की व्याख्या करना, ओजोन परत के अपरदन का वर्णन करना, जलभराव एवं मिट्टी की लवणता पर चर्चा करना, वन उन्मूलन की व्याख्या करना। ठोस अपशिष्ट। कोई भी कचरा किसी अपजल शोधन संयंत्र से प्राप्त अवमल और ठोस, द्रव, अर्ध ठोस या गैसयुक्त पदार्थ ठोस अपशिष्ट है। ठोस अपशिष्ट के उदाहरण, बेकार टायर, पटयुक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी सेप्टेज, रद्दी सामग्री, लेटेक्स पेंट, उपस्कर, फर्नीचर एवं खिलौने, बेकार पड़े यंत्र एवं वाहन, वायु विलय पात्र यानी एरोसोल कैन, पेंट पात्र एवं संपीड़ित गैस सिलेंडर। ठोस अपशिष्ट को मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैव निम्नीकरण योग्य, पुनश्चक्रण कूड़ा, जैव निम्नीकरण अयोग्य, जैव निम्नीकरण योग्य। जैव निम्नीकरण योग्य कूड़ा वो अपशिष्ट है जिसका सजीव प्राणी नाश कर सकते हैं। समुचित शोधन कर इसका उपयोग कूड़ा खाद यानी कंपोस्ट और पशुओं के लिए चारा बनाने अथवा बिजली निर्माण में किया जा सकता है। नगर निगम के अपशिष्ट पदार्थ का लगभग 60% भाग जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट है। अपशिष्ट भोजन, बगीचे का कचरा, कागज एवं गत्ते से बना अपशिष्ट तथा जैव अपकर्ष प्लास्टिक आदि आमतौर पर पाए जाने वाले जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट हैं। पुनश्चक्रणीय। पुनश्चक्रणीय अपशिष्ट वह अपशिष्ट है
जिसको नए उत्पादों में संसाधित किया जाता है ताकि उपयोगी सामग्री की बर्बादी रोकी जा सके। पुनश्चक्रण के लाभ। बहुमूल्य संसाधनों की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित करने में सहायक है। पुनश्चक्रण से हम विश्व को सुंदर और हरा भरा बना सकते हैं। इस तकनीक से जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट को नष्ट किया जा सकता है। यह स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा भी देता है। ये ऊर्जा की बचत करता है। जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्ट वो अपशिष्ट है जिसका प्राकृतिक रूप से जैव अपघटन नहीं हो सकता है। इस अपशिष्ट के कारण भूमि भराव यानी लैंडफिल में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे रासायनिक रिसाव द्वारा भूजल संसाधनों के प्रदूषण का खतरा बना रहता है। जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्ट के उदाहरण है प्लास्टिक, कांच, धातुएं इत्यादि। कुछ खतरनाक रसायन एवं विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन भी गैर जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट के उपायों का अध्ययन। प्लास्टिक नायलॉन जैसे कार्बनिक बहुलकों की विस्तृत श्रृंखला से बना एक कृत्रिम पदार्थ है जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। 57 वर्षीय अहमद खान पिछले 8 वर्षों से प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं। लगभग 8 वर्ष पहले उनकी कंपनी ने पुनश्चक्रित प्लास्टिक से एक पॉलीब्लेंड नामक पाउडर विकसित किया। इस मिश्रण को तब कोलतार में मिलाकर सड़कें बनाने के काम में लाया गया। इस प्रकार संपूर्ण प्लास्टिक कचरे का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया। अस्पताल अपशिष्ट। अस्पताल अपशिष्ट लोगों के उपचार, निदान, टीकाकरण एवं अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है। इस अपशिष्ट में पैकेजिंग सामग्री, महीन जालीदार कपड़े के टुकड़े, शरीर के अंग, रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक, टूटे कांच, पुरानी दवाएं, ठोस, तरल एवं गैसीय रसायन आते हैं। इसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी शामिल हैं। ये अपशिष्ट संक्रामक होता है और यदि इससे वैज्ञानिक ढंग से ना निपटा जाए तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई कचरा। टेलीविजन, कंप्यूटर इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निपटान को ई कचरा कहते हैं। अनुचित ढंग से निपटान होने की स्थिति में मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को इनमें से कुछ उत्पादों में निहित विषाक्त पदार्थों से खतरा हो सकता है। टेलीविजन में सीसा, पारा, कैडमियम इत्यादि होते हैं। सभी एनालॉग टेलीविजन की ट्यूब में सीसा पाया जाता है। सीसा मनुष्यों, विशेषकर बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। पारा तो अल्प मात्रा में भी विषाक्त होता है। ये मस्तिष्क एवं गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक कैडमियम के संपर्क में रहने की स्थिति में किसी व्यक्ति के गुर्दे, यकृत एवं हड्डियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव। कृषि रसायन वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल कृषि में कीटनाशक, उर्वरक, मृदा उपचारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। कृषि रसायन के प्रकार। उर्वरक, ये वो पदार्थ हैं जिनका प्रयोग भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि उपज में वृद्धि हो। उर्वरक के रूप में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले यौगिक फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं पोटेशियम हैं। चूने और अम्ल के रूप में परिवर्तित करने वाले पदार्थ। भूमि में बोई गई फसलें या तो अति अम्लीय होती हैं या अति क्षारीय। भूमि की अम्लता या क्षारता की वजह से फसलें भूमि से उचित पोषण ग्रहण नहीं कर पाती हैं। भूमि में चूना युक्त यौगिक डालकर उसकी अम्लता को दूर किया जा सकता है। कृषि रसायन के प्रकार। मृदा उपचारक। इस प्रकार के पदार्थ मिट्टी की वातन एवं जल धारण क्षमता को बढ़ाकर मिट्टी की दशा को सुधारते हैं। मृदा उपचारक के निर्माण में गोबर की खाद, फसल के अवशेष इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक। कीटों, अवांछित पौधों इत्यादि के नाश के लिए प्रयुक्त रसायनों को कीटनाशक कहते हैं।
एंटीबायोटिक, हार्मोन आदि जैसे कुछ रसायनों का प्रयोग पशुपालन में भी किया जाता है। जैव खेती का केस अध्ययन। जैव खेती का महंगा होना और सस्ता होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर रहते हैं। भारतीय किसान जैव खेती का अनुसरण कर रहे हैं। भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण उनके पास कृषि के लिए केवल जैविक उर्वरक तथा कीट नियंत्रक साधन ही उपलब्ध हैं। रमेश चंद्र डागर ने सभी कृषि प्रक्रियाओं को एक श्रृंखला में प्रबंधित किया, जो कि एक दूसरे को सहारा प्रदान करती हैं तथा निर्वहनीय विकास का पालन करती हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि एक निश्चित मात्रा से ऊपर रेडियोधर्मिता होने पर प्रदूषित हो जाते हैं। मनुष्य पर रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रभाव बहुत हल्का हो सकता है, जैसे त्वचा का लाल हो जाना तथा कभी कभी ये चिंताजनक भी हो सकता है, जैसे कैंसर या मृत्यु हो जाना। मानव शरीर को होने वाली क्षति निम्न दशाओं पर निर्भर करती है। विकिरण उद्भासन की मात्रा पर, विकिरण उद्भासन के समय की अवधि पर और विकिरण के प्रकार पर। विकिरण की कम मात्रा के उद्भासन से कैंसर के बढ़ने की संभावना अधिक होती है अथवा जनन क्षमता में कमी आती है। वयस्कों की तुलना में बच्चे विकिरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो कि सूर्य के विकिरण को अवशोषित करती हैं तथा अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती हैं के द्वारा पृथ्वी की सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जैसे कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वैश्विक उष्णता। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होने को वैश्विक उष्णता कहते हैं। वैश्विक उष्णता के प्रभाव। वैश्विक उष्णता के कारण वातावरण की नमी को वहन करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। वैश्विक उष्णता के कारण प्रबल अकाल एवं बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि हो सकती है। रोगाणुओं के वाहकों, जलजन्य रोगजनकों इत्यादि में वृद्धि के फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण देशों में मनुष्य को होने वाले रोगों में वृद्धि होगी। वैश्विक उष्णता के कारण हिमनद पिघलते हैं, जिसके फलस्वरूप समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। वैश्विक उष्णता के कारण तापमान का परास बदल जाता है। इस परिवर्तन के कारण जीवों के उच्च और अंशाक्षीय वितरण पर प्रभाव पड़ता है। समताप मंडल में ओजोन अवक्षय। समताप मंडल में स्थित ओजोन जीवधारियों को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कुप्रभावों से रक्षा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। कई प्रकार के प्रदूषक समताप मंडल में प्रवेश कर ओजोन परत का अवक्षय करते हैं। इन प्रदूषकों में CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि शामिल हैं। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एजेंट CFC है। ये पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सक्रिय क्लोरीन उत्पन्न करता है। ओजोन अवक्षय के प्रभाव। पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि से मोतियाबिंद तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे प्रतिरक्षक प्रणाली की कार्यवाही घट जाती है। पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि से जीवधारियों में स्थित न्यूक्लियक अम्ल को नुकसान पहुंचता है। पराबैंगनी विकिरण पादप पलवक यानी फाइटोप्लैंक्टन एवं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिसके फलस्वरूप आहार श्रृंखला प्रभावित होती है। संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण इस प्रकार होता है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। ऊपरी उर्वर मृदा के क्षरण को मृदा अपरदन कहा जाता है। किसानों के लिए वर्षा की बूंदें एक समस्या हो सकती हैं यदि ये खाली पड़ी मिट्टी पर गिरें।
वर्षा के कारण मिट्टी बह जाती है तथा शेष भाग हवा में विलीन हो जाता है। उपजाऊ या बंजर जमीन की अबाधित चराई, बारंबार दहन, अधिक खेती जैसे मानवीय क्रियाकलाप से मिट्टी को अनुपजाऊ बनाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। जला क्रांति और मृदा लवणता। मृदा का जल से संपृक्त होना जला क्रांति कहलाता है। जला क्रांति से लवणता की प्रक्रिया शुरू होती है। लवणता से तात्पर्य मृदा में सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के विलय लवणों का इस हद तक एकत्र होना है कि मिट्टी में उर्वरता बहुत कम रह जाए। पौधों की जड़ों में लवण की बढ़ी हुई मात्रा जड़ों की आसपास की मिट्टी से जल खींचने में रुकावट डालती है। वन उन्मूलन। वनों के विनाश को वन उन्मूलन कहते हैं। विश्व के खासकर कटिबंधीय देशों के वन क्षेत्र में तेजी से कमियां हो रही है। वन उन्मूलन के मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट। मानव ने खेती, आवास, कारखाने एवं अन्य कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर वनों का नाश कर दिया है। अंधाधुंध चराई। अंधाधुंध चराई से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। नाशक जीव। कई प्रकार के नाशक जीव व कीड़े पेड़ों की पत्तियों को खाकर तथा बीमारी फैलाकर पेड़ों का नाश कर देते हैं। जंगल की आग। ये आग पूरी तरह विकसित पेड़ों, उनके बीजों का नाश कर देती है। ये जानवरों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। मौसम। अपनी चरम स्थितियों में मौसम जैसे गर्मी, तूफान इत्यादि वनों का नाश कर देते हैं। वन उन्मूलन के प्रभाव। वन उन्मूलन के फलस्वरूप बहुत सी प्रजातियों के पर्यावास समाप्त हो गए हैं। वन उन्मूलन के फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन होता है। वन उन्मूलन से सूर्य की रोशनी को रोकने वाली छतरी का नाश भी होता है, जिसके फलस्वरूप पौधों एवं पशुओं का जीवन प्रभावित होता है। वन उन्मूलन के कारण वनस्पति एवं प्राणी जगत का नाश होता है। वह प्रक्रिया जिसमें काटे गए वनों को फिर से लगाया जाता है, पुनर्वनीकरण कहलाती है। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी। एक अध्ययन। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण है चिपको आंदोलन। पहला चिपको आंदोलन अप्रैल सन 1973 में शुरू हुआ और अगले 5 वर्षों में ये तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हिमालय के कई जिलों में फैल गया। गांव वाले वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए। क्या आप जानते हैं, उपग्रह से प्राप्त नए आंकड़ों से पता चलता है कि अंटार्कटिका में सी आइस यानी समुद्री बर्फ वास्तव में बढ़ रही है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के एक नेता थे, जिन्हें 1981 में पद्मश्री सम्मान, 1987 में राइट लिवलीहुड सम्मान तथा सन 2009 में पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी भी प्रकार का कचरा तथा एक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से प्राप्त अबमल ठोस अपशिष्ट कहलाता है। ठोस अपशिष्ट को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैव निम्नीकरण योग्य, पुनश्चक्रणीय तथा जैव निम्नीकरण अयोग्य। टेलीविजन, कंप्यूटर इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निपटान को ई कचरा कहते हैं। कृषि रसायन वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल कृषि में कीटनाशक, उर्वरक, मृदा कंडीशनर इत्यादि के रूप में किया जाता है। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट वो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनमें एक स्तर से अधिक रेडियो सक्रिय विकिरण होता है। पृथ्वी की सतह के वातावरण में मौजूद गैसों के सौर विकिरण को रोक लेने तथा अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करने के कारण गर्म होना ग्रीनहाउस प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में मौजूद गैसों को ग्रीनहाउस गैसें कहते हैं। ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होने को वैश्विक उष्णता कहते हैं। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एजेंट CFC है। ये पराबैंगनी यूवी विकिरण की उपस्थिति में सक्रिय क्लोरीन उत्पन्न करता है। सबसे ऊपरी मृदा जो कि बहुत उर्वर होती है,
इसका हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उपजाऊ जमीन या बंजर जमीन का अबाधित चराई, बारंबार दहन, अधिक खेती करने जैसे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। मृदा का जल से संपृक्त होना जलाक्रांति कहलाता है। जलग्रस्तता के कारण लवणता की प्रक्रिया शुरू होती है। वनों के विनाश को वन उन्मूलन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें साफ किए गए वनों को फिर से लगाया जाता है पुनर्वनीकरण कहलाती है।